नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने यूपी पीसीएल का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट आई है उससे रिलेटेड जो आपका पार्ट वन होने वाला है, काफी बच्चे जो है कमेंट करके कह चुके हैं सर इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा है कि ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ट्रिपल सी का जो नीलेट का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न जो है पूछा जाएगा, और ये हर यूपी पीसीएल के कोई भी पोस्ट आती है एग्जाम उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि जो आपका कंप्यूटर का ये प्रश्न 50 क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इसका कोई भी मेरिट पे इम्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप जब तक इसको क्वालिफाई नहीं करोगे, जैसे 20 मार्क्स इसमें आपको ले आना है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ये जो पोस्ट है इसके एग्जाम में जो पहला पार्ट है आपका, जो पार्ट ए है कह सकते हो, इसमें कंप्यूटर का एग्जाम होगा और इस कंप्यूटर में आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन में आपके 20 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है, 20 मार्क्स आपके आने चाहिए तो आप आगे प्रोसीड किए जाओगे, मतलब आपका अगला जो पार्ट बी है वो चेक होगा, अदरवाइज नहीं चेक होगा। फिर आपका जो तीसरा है वो टाइपिंग है, वो 20 मार्क्स का है, उस टाइपिंग में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों करना है। अगर आपके 5 मिनट मिलेगा, बोल रहे हैं बच्चे कि सर टाइम क्या है टाइपिंग का, तो भैया 5 मिनट आपको मिलेगा, तो 5 मिनट में जैसे आपको इंग्लिश और हिंदी, 5 मिनट इंग्लिश के लिए 5 मिनट हिंदी के लिए मिलेगा, तो वहां पे अगर आपकी स्पीड 30 और 35 नहीं गिरी तो आपको 20 मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिए, वो दोनों के 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 180+20 200 में से ही आपका जो है कट ऑफ डिसाइड होगा। अभी यहां पे हम लोग आ जाते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना, मतलब 20 मार्क्स लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको आगे की कॉपी नहीं चेक होगी। अब इसका जो सिलेबस बोला गया है कि ट्रिपल सी का जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो कुछ बच्चे इसमें से खुद ही ट्रिपल सी एग्जाम दिए होंगे और ट्रिपल सी जब दिए होंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन के उसके पैटर्न को जान रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का बैच परीक्षा प्लस पर लॉन्च कर दिया गया है, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है परीक्षा प्लस ऐप पर, तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि भाई 1033 पोस्ट है, जबरदस्त पोस्ट है, टाइपिंग की पोस्ट भी है और कुछ एक्स्ट्रा आपसे मांगा नहीं है, जो आप इंग्लिश पढ़े हो वो मांगा है, हिंदी पढ़े हो वो मांगा है 55 55 क्वेश्चन और आपकी रीजनिंग मांगा है 45 क्वेश्चन, तो भैया वही सब आपको आना है। तो ये बैच स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये 80% ऑफ पर दिया जा रहा है 599 रुपए में, तो जिन बच्चे को एडमिशन लेना है वो परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है कोर्स के बारे में, कुछ डिटेल लेना है तो आप इन नंबर पर संपर्क कर लीजिए, ठीक है, 6007 और 9129697080, इन दोनों नंबर पर संपर्क कर लिए, जो भी डिटेल एक्स्ट्रा आपको लेना है। तो आज मैं यहां पे सिर्फ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस डिस्कस करूंगा, बाकी दिन जो भी और वीडियो मैं लेके आऊंगा जहां पे आपको जैसे रीजनिंग हो गया, ठीक है, आपके इंग्लिश वाले सर इंग्लिश के सिलेबस को थोड़ा सा ओवरव्यू कर देंगे, हिंदी वाले सर हिंदी के सिलेबस को ओवरव्यू कर देंगे। तो अभी जो 20 मार्क्स आपको कैसे ले आना है वो मैं बता दे रहा हूं कि 20 मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे, पढ़ के आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी यहां पर देख रहे हो तो नीलेट का जो सिलेबस है ट्रिपल सी का, वो आपका यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब सिंपल सा जनरेशन पढ़ना है, उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, वो चीजें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन में एक तरह से कहा जाए पूरा आ जाता है, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ कवर हो जाता है। देखो हार्डवेयर भी पढ़ना है आपको, जो इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज हैं उन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं उनको जानना है, तो वो सब कुछ इसी में आ जाएगा। और दूसरी बात है आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें थोड़ा सा विंडोज को जानना पड़ेगा और विंडोज को अच्छे से जानना पड़ेगा और लिनेक्स को और डॉस को, इन दोनों को, क्योंकि अगर लिनेक्स पढ़ोगे तो डॉस आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा, विंडोज थोड़ा हटकर है तो विंडोज के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, इसके हर वर्जन के बारे में चर्चा कर लेंगे। अब उसके बाद से एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, तो यहां पर आपका जो भी वर्ड है जैसे लिब्रा हो गया, लिब्रा से प्रश्न नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सिर्फ आपका जो ट्रेंडिंग है, जैसे एमएस ऑफिस का वर्ड है, एमएस वर्ड है, उससे आपका क्वेश्चन बनेगा, तो वहीं से आपसे क्वेश्चन बनेगा। स्प्रेडशीट दे दिया, इसीलिए इसने
प्री डिफाइन नहीं किया कि हमें एक्सेल एमएस एक्सेल पूछना है, क्योंकि स्प्रेडशीट और भी सबके होते हैं, लेकिन सभी का वर्किंग सेम होता है, ठीक है, सभी का वर्किंग। इसीलिए यहां पर कह सकते हो कि हमें एमएस एक्सेल जो ऐसा होता है ना, उसी के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। उसके शॉर्टकट कीज हो गए, फॉर्मेटिंग कैसे होता है, सेल्स को क्या कहते हैं, एड्रेस क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ये सब सी चीजें जो जनरल सी चीजें होती है, जनरल फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए क्या होता है, ये सब चीजें आपको एक्सेल से पता करना है, इससे प्रश्न आपसे बनते हैं। फिर आपका है कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इंटरनेट। कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो यहां कम्युनिकेशन में आपका एक तरह से कह सकते हो, अगर मेरे शब्दों में कहा जाए, क्योंकि मैं ही आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, तो यहां पे एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क आएगा। क्या आएगा? कंप्यूटर नेटवर्क आएगा। और कंप्यूटर नेटवर्क में आपको क्या पढ़ना रहेगा? लैन, मैन, वैन, ये सब आपको लैन मैन वैन ये पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आईपी एड्रेस आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके आईपी एड्रेसेस जो होते हैं, IPv4, IPv6, इसके बारे में जानना पड़ेगा। DNS हो गया, DSL हो गया, मतलब कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, VOIP हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं, और इंटरनेट प्रोटोकॉल में भी आपको कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ने होंगे, FTP हो गया, HTTPMS हो गया, ठीक है, तो SMTP हो गया, तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं यहां पर कि इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, इसकी हिस्ट्री के बारे में, अर्पानेट कब आया, कहां की अर्पानेट, किसने किसको, अर्पानेट का जनक कौन था, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजें, पहला वेब ब्राउजर क्या था, तो वेब ब्राउजर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, और इंटरनेट का आज के समय में एडवांटेज क्या है, उन सब चीजों को, और डिसएडवांटेज क्या है, उसको हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। फिर आपका यहाँ पे WWW और वेब ब्राउजर, तो रिसेंट में आपसे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, वेब पेजेस क्या होते हैं, होम पेजेस क्या होती हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, किस पर बनी होती हैं, तो वो सब हम इसमें WWW और वेब ब्राउजर में पढ़ लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी हम जान लेंगे वेब ब्राउजर और इनके। उसके बाद से है कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन। ये क्या है? यहाँ पे बेसिकली हम जो डील करेंगे वो ईमेल से रिलेटेड करेंगे। किससे रिलेटेड? ईमेल से कम्युनिकेशन करते हैं, तो ईमेल को खोलना है, स्पैम क्या होता है, ईमेल हैंडलिंग, इनबॉक्स क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, सेंट मेल क्या होता है, इन सबको कैसे हैंडल करते हैं, तो वो ईमेल से रिलेटेड जो भी आएगा चीजें, वो हम लोग कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका है मेकिंग ए स्मॉल प्रेजेंटेशन। 8 यूनिट आपको सिर्फ पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है। मेकिंग ऑफ प्रेजेंटेशन में यहां आप समझ सकते हो कि पावर पॉइंट जो होता है, PPT, कि पावर पॉइंट कैसे बनाए हम, स्लाइड कैसे बनाए, स्लाइड में एनिमेशन कैसे डालें, ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे डालें, ठीक है, स्लाइड शो कैसे होता है, स्लाइड के स्पेस को क्या कहते हैं, मैक्सिमम जूम क्या होता है, उसका बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है, ये सब डिस्कशन हमें प्रेजेंटेशन में करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, मैं ही आपको कंप्यूटर की क्लास पढ़ाऊंगा, तो निश्चिंत रहो, जितना पढ़ा दूंगा उससे तुम 50 में चाहोगे तो 45 प्लस सही करके आओगे। और ये बात ध्यान रखना कि कुछ बच्चे निगेटिव मार्किंग पे भी कंफ्यूज हैं। भैया निगेटिव है, पहले पार्ट में भी है, दूसरे पार्ट में भी है, ठीक है, 1/4 आपका निगेटिव होगा। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अरे 50 में कुछ ना कुछ कर लेंगे, नहीं भी कहीं से पढ़ेंगे तो 50 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो 20 तो हमारे सही हो ही जाएंगे, 20 नंबर तो हमारे आ ही जाएंगे। भैया निगेटिव मार्किंग भी तो है, ये मत भूलो। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ के कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं मार रहे हो तो लटक भी जाओगे, ठीक। तो ये है, अब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दिखा दे रहा हूं ओवरऑल, कि पहले वाले चैप्टर में क्या क्या रहेगा। यहां देखो, हिस्ट्री है, करेक्टर ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस है, कंपोनेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माउस, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस, ये सब आपके पहले वाले में है। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे कि कितने जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस वो डाटा का इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है, डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, ICT, ठीक है, ई गवर्नेंस के क्या फायदे हैं, वो सब हम लोग इसी में डिस्कस कर लेंगे पहले यूनिट में। दूसरे यूनिट में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, लाइनक्स और विंडो यहां पे दिया है, वो यूजर इंटरफेस, टास्क बार, आइकन जो आपके दिखते हैं, स्टार्ट मेनू का काम क्या है, कोई एप्लीकेशन रन करना है तो कैसे रन करता है, ये सब चीजें आपको यहां पर मिलेंगे। डिस्प्ले को कैसे सेट करते हैं, उसका लेआउट डिस्प्ले का,
ये सब चीजें ब्राइटनेस व्हाइटनेस सब कुछ यहाँ पर एड और रिमूव, विंडो कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट हम विंडो में कैसे ऐड करते हैं वो सब चीजें आ जाएंगी। माउस की प्रॉपर्टी, माउस का स्लो फास्ट करना, ये सब कोई भी प्रिंटर को ऐड करना क्योंकि एक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर को कैसे ऐड किया जाता है, फाइल और डायरेक्टरी को कैसे मैनेज करते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको इसको मैनेज करता है, ठीक है ये ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ फाइल, फाइल कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है इसमें। अगला आपको हम बात करें यहां पे तो एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बाद आ जाता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिक मतलब एमएस वर्ड के बेसिक के बारे में जानना है, उसके पैकेज के बारे में, मेनू बार क्या होता है, हेल्प का क्या होता है, आइकन जितने हैं उसमें क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट क्या है, सेव और सेव एज कैसे होता है, ठीक है इन सब चीजों के बारे में, कोई भी टेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, उसको एडिट कैसे करेंगे, कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, फॉन्ट साइज का सिलेक्शन कैसे करेंगे, अलाइनमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब चीजें आपका इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आ जाओ स्प्रेड शीट में, तो वही एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेड शीट क्या है, एड्रेसिंग सेल्स क्या होते हैं जो मैंने बताया, एब्सोल्यूट रिफरेंस मिक्स वाला, वर्कबुक्स के नाम से सेव होती हैं फाइलें, उसमें नंबर डेटा कैसे हम एंट्री करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे किसी टेक्स्ट को, तो वो सब चीजें आपका यहाँ पे आ जाएगा। फंक्शन और चार्ट कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कंप्यूटर कम्युनिकेशन में वही लैन हो गया, वैन हो गया, इंटरनेट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का आर्किटेक्चर मतलब जो यहाँ पे आपका जो ISP मॉडल होता है, OSI मॉडल होता है, ये सब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एप्लीकेशन फिजिकल लेयर ये सब क्या होते हैं, सर्विस क्या होती है इंटरनेट की, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ISP क्या होते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, किस पे काम करते थे, ब्रॉडबैंड पर, डायलअप पे, वाईफाई पे, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ भी लेता है। इंटरनेट एसेस टेक्निक कौन कौन सी है, कैसे हम इंटरनेट को एसेस कर सकते हैं, ठीक है वाईफाई है, ब्लूटूथ है, केबल है, इन सब चीजों से कर सकते हो। वेब ब्राउजर वाला यूनिट देख लो, यहाँ पे वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा है सर्च इंजन क्या क्या है, एसेसिंग कैसे वेब ब्राउजर को एसेस करते हैं, डाउनलोडिंग पेज क्या होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। फिर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में बेसिक ऑफ ईमेल पढ़ना है, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल आपको यहाँ पे बताना है कि किसके जीमेल किसका है, ठीक है माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल क्या नाम है, इन सब चीजों को ज्यादा देना है। ईमेल क्लाइंट आपको पढ़ना है, ओपनिंग ईमेल पढ़ना है, हैंडलिंग ऑफ ईमेल पढ़ना है, सर्चिंग ईमेल पढ़ना है, डॉक्यूमेंट बाय ईमेल पढ़ना है, स्पेल चेकिंग पढ़ना है आपको, स्पैम के बारे में जानना है कि हैंडल कैसे करें स्पैम को, उसके बाद से आपका यहाँ पर PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ना है कि कैसे बनाएं, सेव कैसे करें, क्रिएट कैसे करें, ठीक है ब्लैंक पेज कैसे ले आए, तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं जितना मैंने आपको बताया यही आपके सिलेबस में है कंप्यूटर के। बाकी जो आपका पार्ट है जैसे आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है रीजनिंग हुआ, इसके भी सिलेबस जो है आपके टीचर हैं वो डिस्कस कर देंगे, और प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड रहा है उसकी भी हम एनालिसिस कर देंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी हम बात करें अकाउंटेंट का भी पोस्ट आपका भी एग्जाम हुआ था तो उसमें कैसे प्रश्न आपके आए थे, वैसे ही आपका भी कंप्यूटर असिस्टेंट निकला है, कैंप असिस्टेंट निकला है, तो इन सबके भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कुछ चीजें सेम होती हैं, तो जो इससे पहले एग्जाम हो चुके हैं उनके बेसिस पर हम पेपर खोज रहे हैं और उसी के बेसिस पर आपकी एनालिसिस कराएंगे और पूरी तैयारी उसी के बेस पर होगा। तो जिन बच्चों को तैयारी करना है परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्हें एडमिशन लेना है भैया पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए जी जान लगाना चाहते हो तो टीम भी आपके साथ है, आप परीक्षा प्लस ऐप से कोर्स को परचेस कर सकते हो, वहां पे आपको मंडे से सभी वीडियो क्लासेस रन होंगे। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हो, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपका ये जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।